हरे कृष्णा मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमीरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथाविन्तं तं सजीवं सद्वतेम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंतम च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चांति देवतारिणे। वांछाकल्पत्रुच कृपा सिंधु एवच पतत पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। तो कल हमने स्टार्ट किया था आइडियल फैमिली लाइफ आदर्श गृहस्थ जीवन, उसको हम कल का जो लेक्चर हमने किया था उसको थोड़ा सा 5 मिनट एक रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर आगे श्लोक 3 और 4 पे बढ़ते हैं। कल हमारा क्या था, कल एक इंट्रोडक्टरी था, समरी था और समरी के बाद श्लोक 1 और 2 कवर किया था। कैसे हो, क्या हुआ था कि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा प्रकट की नायद मुनि से कि गृहस्थ लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे वो पारिवारिक जीवन जीना चाहिए कृष्ण को सेंटर में रख के। तब नायद मुनि ने उन्हें कहा कि भाई अगर गृहस्थ लाइफ जी रहे हो तो उसके अंदर सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है श्रवणम। आपको श्रवणम, आपको सुनना है। सुनना क्या है, आपको सत्संग करना है, बड़े बड़े महामुनि से आपको कथाएं सुननी है और इस तरह से आपको अपनी गृहस्थ लाइफ को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे बढ़ा के मोक्ष की तरफ बढ़ना है। वहां उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने यह भी इंक्वायरी की थी कि सनातन धर्म क्या होता है, 4 वर्ण 4 आश्रम के बारे में जब बताया गया, उनसे आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूछा कि हाउस होल्डर्स क्या होते हैं। अगर गृहस्थ लाइफ के अंदर 2 तरह के गृहस्थ होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ जो अपनी लाइफ पूरी अपने कार्य कर रहे हैं, पूरी एक्टिविटीज करते हैं, पर साथ में जो सेंटर में होता है वो कृष्णा होता है। सेंटर में कृष्णा को रख के अपनी जीवन शैली जो जीते हैं और अपने सारे कार्य सारे कर्म कृष्णा को अर्पण करते हैं, उस तरह से जो गृहस्थ अपनी लाइफ जीता है उसको गृहस्थ कहा जाता है। पर उसके अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट है ग्रहमेडी। ग्रहमेडी की डेफिनेशन है, उसका मीनिंग समझे तो वो क्या था, वो ये कहता था कि ग्रहमेडी वो है जो दूसरों की प्रगति से जलते हैं और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। खुद के बारे में इन द सेंस या तो खुद सेल्फ के बारे में सोचते हैं या खुद की फैमिली तक ही लिमिट रहते हैं, वो बाहर दुनिया के बारे में नहीं सोचते, ना वो कोई कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, ना प्रसाद का कार्यक्रम होता है, ना भजन कीर्तन सत्संग, कुछ नहीं, वो टोटली मटेरियली अटैच लाइफ जीते हैं। उसके बारे में एक श्लोक का भी हमने वर्णन किया था, श्लोक था निद्रिया रियाता नक्तम व्ययावेंच वा वय दिवाचा अर्थे रजन राजन कुटुंब भरणेन वा। तो ये श्लोक क्या कहता था कि आइधर जो ग्रहमेडी होता है वो या तो अपनी रातें सोके निकालता है या शरीर सुख में निकालता है या और अपने दिन कार्य होते हैं वो अपने इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब ओनली मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में अपनी लाइफ जो पूरी पास करता है उसको ग्रहमेडी कहा गया है। और अगर हम कलयुग को देखे ना जाए, कलयुग में क्या है, कलयुग में आज सारे सारे लोग सब लोग कहां ना कहां ग्रहमेडी बन चुके हैं। भले हम कितने भी आज तो मैं भी ऐसा कहूंगा कि शायद मैं भी हरिनाम जपता हूं पर मैं भी ग्रहमेडी हूं। कहीं ना कहीं किसी से प्रॉस्पेरिटी से जलन होती है, किसी के ग्रोथ से जलन होती है, क्या किसी के मन में एक बार तो चुभता है कि यार वो ये लेके आया मेरे पास नहीं। तो ये मोर और लेस आज हर कोई ग्रहमेडी बन चुका है और ग्रहमेडी से गृहस्थ में जाने के लिए यही कहा गया कि हम लोग तो सब ग्रहमेडी है पर अगर ग्रहमेडी से गृहस्थ की तरफ बढ़ना है तो वही इंपॉर्टेंट है, क्या है, श्रवणम सत्संग। ये अगर हम करना लगेंगे तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए इस
मोक्ष और मोह माया के बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकलेंगे और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। फिर हमने श्लोक टू देखा था, श्लोक टू था हाँ, श्री नारद जी वहां कहते हैं कि एक गृहस्थ गृहस्थ कैसे कृष्ण प्राप्ति कर सकता है या कैसे मोक्ष की तरफ कहता है। तब नारद जी ने उन्हें कहा, युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि जो गृहस्थ जो एक हाउस होल्डर अपनी पूरी एक्टिविटीज कृष्ण को अर्पण करके जो चलता है और जो अपने सारे एक्टिविटीज कृष्ण अर्पण करता है और जो सत्संग करता है महामुनि का सत्संग करता है वो सीधा अपने गोल अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को अटेंड करता है और वैकुंठ पहुंचता है। महामुनि के बारे में हमने डिस्कस किया था, महामुनि क्या था, तो एक होते हैं मुनि एक होते हैं महामुनि। मुनि वो होते हैं जो मुंह के ऊपर पट्टी बांध के भगवान हरिनाम करते रहते हैं, किसी को कुछ दिखाते नहीं है कुछ बताते नहीं है, पर उसके अगेंस्ट होते हैं महामुनि। महामुनि क्या होते हैं, महामुनि वो होते हैं जो अपने सिर्फ जो उनके मुंह से जो वाणी निकलती है वो सिर्फ कृष्ण वाणी होती है, वो सिर्फ भगवान के बारे में बात करते हैं और प्रचार करते हैं, वो होते हैं महामुनि। जैसे हम कह सकते हैं डिवोटीज, डिवोटीज जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम यही होता है जहां भी सत्संग करो जहां चार लोग मिले वहां बैठ के हरि नाम की बातें की वहां भागवत कथा करने बैठ गए, तो दैट इज अ क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। और इस तरह से अगर सेक्स ये इसमें देखने जाए तो गृहस्थ एक जो लाइफ होती है ना, गृहस्थ लाइफ क्या है, गृहस्थ लाइफ के अंदर अगर हम समझे तो नर्क के द्वार बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ हर काम में अपनी हर एक्टिविटीज के अंदर कुछ ना कुछ पाप करता है, तो वो पाप से उसको मुक्त होने के लिए उसको हरि नाम का सहारा या भगवान का सहारा लेना जरूरी है ताकि वो इस कर्म बंधन के चक्कर से मुक्त होके अल्टीमेट ज्ञान अल्टीमेट ट्रुथ को रियलाइज कर सके। और इस तरह से हमने आगे जाके एबीसीडी भी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दिखाई थी। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके लिए भी एबीसीडी होती है, तो जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस भी आते हैं उसके अंदर भी एबीसीडी है। पर इसका फायदा यही था कि अगर हम जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हुए तो हर बार एबीसीडी ही स्टार्ट होगी, पर अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के साइकिल में आ गए हैं, एक बार इसके अंदर हम एंटर कर गए हैं, तो हमारे जितने स्टैंडर्ड कंप्लीट हुए भले जूनियर हुआ सीनियर हुआ फर्स्ट सेकंड जो हुआ, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तब वो आगे से स्टार्ट होगा। तो ये हरि नाम और हरे कृष्ण की महिमा है। इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हुए श्लोक नंबर 3 और 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3 और 4 मैं पढ़ता हूं। श्रणवन भगवतो अभिक्षम अवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा कालम उपसंता जनावृत सत्संग चमके संगम आत्मजय मजादेशु विमोचन मोच्यमानेषु स्वयं स्वप्नद उत्थितः उत्थितः। अगर इस श्लोक का प्रपट हम समझे तो ये श्लोक क्या कहता है, श्रवण भागवतु अभिक्षम, श्रवण मतलब सुनो, भागवत भगवान को सुनो, और अभिक्षम रेगुलरली आप जब ये सुनने का कार्यक्रम तो श्रद्धा से श्रद्धानो मतलब श्रद्धा पूर्वक जब इसको सुनते हो यथा कालम अपने टाइम के अनुसार। एक गृहस्थ होता है तो गृहस्थ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सुबह 4 बजे उठ के माला ले लेगा और रात को 10 बजे तक माला कर लेगा, नहीं, वो अपनी फैमिली लाइफ लेके बैठा है, अपने बच्चे लेके बैठा है, अपने कार्यक्रम लेके बैठा है, तो उसके लिए अगर वो उस चीज पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे रिनाउंसिएशन और ये सारे पॉइंट्स। पर एक गृहस्थ होता है उसके लिए ये नारद मुनि जी क्या कहते हैं, यथा कालम जिस एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम उसको अपने दिनचर्या में से अपना शेड्यूल सेट करना है, और अपने शेड्यूल सेट करके यथा कालम एज पर द अवेलेबिलिटी टाइम उसको श्रवणम करना है, भगवान के चिंतन करना है, सत्संग करना है। जनावृत जो डिवोटीज के साथ, जनावृत उस एसोसिएशन उन लोगों से करो जो भगवान के डिवोटीज है। सत्संग चाहने के संगम, सत्संग करो, और सत्संग जब करोगे तब ग्रेजुअली धीमे धीमे चान के या मतलब ग्रेजुअली धीमे धीमे उसको डिटैचमेंट होने लगेगा अपनी फैमिली से अपने बच्चों से। जना ये कहते हैं जयात माँ जादीसु, जया मतलब पत्नी हुई, माँ जादीसु मतलब बच्चे हुए, तो इनसे धीमे धीमे जब डिटैचमेंट होने लगेगा तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस, ना ओवरनाइट हो सकता है ना चुटकी बजा के ये काम हो सकता है, ये होगा धीमे 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 धीमे। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे तो आप रियलाइज होंगे कि भाई ये एक ये पूरी दुनिया में जो मैं जी रहा हूँ ना वो सपनों की भरी दुनिया है, और इससे मैं धीमे धीमे रियलाइज करते ग्रेजुअली जब मैं सत्संग करूंगा जब एसोसिएशन करूंगा तो धीमे धीमे यहां से बाहर निकलूंगा और अल्टीमेट ग्रोथ को
अल्टीमेट ट्रुथ को पा सकूंगा। तो अब इसको परपट भी एक बार समझते क्या कहता है। गृहस्थ मत एसोसिएट अगेन एंड अगेन विद अ सेंटली पर्सन, जिस तरह से मैंने बोला कि उसको रेगुलरली अटेंड करना है, विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ही मस्ट हियर नेक्टर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। उसको कथा सुननी है, ये कथा एक अमृत है, इसको जितनी बार सुनोगे जितना सुनोगे हर बार कुछ नया एनालिसिस नया इंटरप्रिटेशन लेके बाहर आओगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार सुनोगे तो ये चैप्टर क्लोज हो गया, हाँ भाई मैंने एक बार भगवद गीता पढ़ ली। नहीं, बहुत बार मेरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कार्तिक मैंने एक बार तो भगवद गीता पढ़ ली। अरे भाई तो एक बार पढ़ ली पर तू तो आज की रात में ऐसे डेमन नेचर की तरह घूम रहा है, भाई हर क्वालिटीज तेरी असुर की है। तो भाई तू उसको रेगुलर पढ़, अगर रेगुलर पढ़ेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एंड हिज इनकार्नेशन इन दिस भगवतम एंड द पुराण, द वन शुड ग्रेजुअली बिकम डिटैच्ड फ्रॉम अफेक्शंस ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एग्जैक्टली लाइक अ मैन अवेकनिंग फ्रॉम अ ड्रीम। तो किस तरह से मैंने बताया कि जैसे अगर धीमे 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 वो पढ़ते जाएगा तो उसको ये रियलाइज होगा कि भाई जिस संसार में मैं जी रहा हूँ ये तो सिर्फ एक सपना है कि जहाँ ये सुख वो सुख वो सुख की आशा में मैं जी रहा हूँ, पर दे क्या रहा है, फाइनली मुझे मिल तो दुख ही रहा है। तो इस तरह से हम अभी इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्या कहते हैं, गृहस्थ मत एसोसिएट अगेन विद द सेंटली पर्संस एंड शुड हियर द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी इसमें भगवतम में कहा गया है कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपको सुनना है समझना है तो कैसे, तो अगर आज की डेट में हम समझे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ये मॉर्निंग 7 to 8 के क्लासेस चलते हैं, इस्कॉन डिजायर ट्री का ऑप्शन है, इस्कॉन यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारे सोशल मीडिया ऑप्शन है, बहुत सारे कथाकार है। तो कहां ना कहां से हमें सत्संग का ऑप्शन मिल सकता है। आज हर इस्कॉन सेंटर्स में भी अगर आप जाओ तो मॉर्निंग में भगवतम क्लासेस चलते हैं, इवनिंग में भगवदगीता क्लासेस चलते हैं, आइदर वैसा वैसा कहीं भगवत गीता होता है कहीं भागवत होता है, तो ये क्लासेस है हर जगह। अगर नहीं पॉसिबल है मैं मंदिर जाना तो जैसे मैं एक एक्टिविटी फॉलो करता हूँ, मैं कोई मंदिर नहीं जाता, मैं इवन कोई क्लासेस भी अटेंड नहीं करता, और मैं क्या करता हूँ यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियोज जो मेरे काम के होते हैं ना ग्रह, वो सारे वीडियोज को डाउनलोड करके रखता हूँ, मोर और लेस पूरे दिन ड्राइविंग करता हूँ, कथा चालू होती है गाड़ी के अंदर और सुनते रहता हूँ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर ऑप्शन तो मेरे पास दो है, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि भक्ति हमारे लिए ऑप्शनल है। तो अगर गाड़ी में चला रहा हूँ तो गाड़ी में मेरे पास ऑप्शन दो है, या तो मैं डाउनलोड करके या तो यूट्यूब पे लाइव कुछ भी वीडियो सुन सकता हूँ, और या तो अच्छे से बॉलीवुड हॉलीवुड का सॉन्ग सुन सकता हूँ। तो भगवान ने भक्ति हमारे लिए ऑलवेज ऑप्शन दी है, भाई तेरे पास टाइम है तो यूटिलाइज कैसा करना चाहता है ये तेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से श्रवणम और सत्संग, तो ये ऑप्शन हमारे पास रहता है कि अगर हम कहीं भी उसको सुनना चाहे तो हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिस तरह से रेगुलरली सुनना और रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप आप जब सुनने की आदत डालोगे तो क्या होगा, ये हो गया प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन दो तरह से हो सकता है, एक होता है सत्संग सुनने से, दूसरा होता है प्रसाद खाने से। तो आप जब रेगुलरली भगवान के भजन भगवान के सत्संग सुनोगे, जहां कृष्ण कहते हैं कि जहां कथा होती है ना वहां कृष्ण हाजिर होते हैं। कृष्ण प्यार का भूखा है, कृष्ण पैसों का भूखा नहीं है। पैसों का भूखा क्यों होगा भाई, उसके पास तो स्वयं लक्ष्मी जी है, तो वो पैसों का भूखा क्यों होगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कृष्ण पैसों का भूखा। एक बार गुरु महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था कि एक बंदा था, वो पूरी बैग भर के पैसों के लेके आया गुरु महाराज को देने के लिए, भगवान ये लो और आप मंदिर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप मंदिर कंस्ट्रक्शन में ये पैसे लगाओ। तो गुरु महाराज ने उन्हें सिंपल क्वेश्चन किया, भाई ये तो बैग ठीक है मैं रख लेता हूँ कोई वांदा नहीं है, पर तेरी क्या चल रही है भक्ति, सोला माला कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, कांदा लहसुन छोड़ दिया, क्या किया। तो बोलते बोले प्रभु जी ये मेरे से नहीं होगा महाराज जी, ये पैसे दे सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने वो पैसों को बैग रिटर्न कर दी, बोलता है भाई पैसों नहीं चाहिए, कृष्ण के पास लक्ष्मी जी ऑलरेडी है, तुझे देना है तो उनको टाइम दे, उनको भक्ति दे, उनके बारे में चिंतन कर, उनके बारे में मनन कर। देखो चिंतन और चिंता ये दो भी साथ में चलते हैं। तो इधर आदमी चिंतन कर सकता है, चिंतन कैसे हो सकता है भगवान का नाम लेके, और या तो अगर चिंतन नहीं करेगा तो उसके पास दूसरा क्या बचा, चिंता ही बची है। और एक प्रभु जी से कहीं सुन रहा था और बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कार्तिक पैसे कमाना बहुत इजी है, अगर लक्ष्मी सही चाहिए तो लक्ष्मी हम ऐसे काउंट करते हैं, इसको लक्ष्मी कहते हैं। पर कृष्ण भावना प्रभु जी थे, उन्होंने कहा कार्तिक एक्चुअल लक्ष्मी ये है, तो जब तक हरि नाम की माला आपके हाथ में नहीं आई ना तब तक आप लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो लक्ष्मी आएगी ना वो ब्लिसफुल लाइफ देगी आपको, आपको शांति मिलेगी, आप धीमे धीमे अपने आप को ब्लिसफुल मानोगे और ये समझोगे कि मैंने क्या गलती कर रहा हूं। जब हरि नाम का एक माला भी आदमी करने बैठता है ना तो उसको 15 डेज या मंथ के अंदर भी रियलाइज होने लगता है कि भाई मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, मैं क्या सही कर रहा हूं। लाइव उदाहरण मैं खुद ही हूं तो मैं खुद ही बोलूंगा कि मेरी लाइफ के मैं क्या क्या करता था, और जब जब जिस तरह से टेस्ट में आने लगा, जिस तरह से इन्वॉल्व होने लगा, तो मैं क्या क्या अपने आप को सुधार रहा हूं। ठीक है अभी भी बहुत कुछ लेके घूम रहा हूं, पर हाँ स्टेप बाय स्टेप, शायद ये भी प्यूरिफिकेशन स्टेप प्रोसेस है,
एज ऑन डेट ओवरनाइट नहीं होने वाला, ओवरनाइट होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, पर हाँ लगे रहो 100% नंबर लगेगा। छल्ले पासिंग मार्क्स से पास होने के स्कोप पूरे हैं हमारी लाइफ के अंदर। फिर आता है अभिक्सम। अभिक्सम मतलब क्या, रेगुलरली। तो अगर रेगुलरली और अभिक्सम के बारे में हम समझे, नायद मुनि जी कहते हैं कि अभिक्सम आपको सत्संग करना है, अभिक्सम आपको हरिनाम लेना है तब जाके। तो अगर इसको प्रैक्टिकल समझे तो कैसे, अगर कोई बंदा अगर कोई जिम भी जा रहा है तो से फॉर एग्जाम्पल एक दिन वो जिम जाके अपनी बॉडी नहीं बना सकता। अगर कोई ड्राइविंग भी सीख रहा है तो एक दिन ड्राइव करके वो गाड़ी नहीं सीखने वाला। अगर कोई माताजी घर में प्रसाद भी बनाती है और उसको किसी को स्पेशली कुछ अलग से बनाने कहा रूटीन छोड़ के, या इवन फर्स्ट डे एक्टिविटी भी समझ लो, छोटी सी बच्ची है उसको भी कुछ बनाना, तो एक दिन बना के नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, हर काम के अंदर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आज आंख बंद करके भी हम गाड़ी चला लेते हैं कभी कभी, तो उसका रीजन क्या है, प्रैक्टिस पता है हमें। पर डे वन को अगर हमें कोई बोलेगा तो नहीं, डे टू को नहीं, तो इट्स एवरीथिंग अभिक्सम, रेगुलरली प्रोसेस है। जब ये रेगुलर प्रोसेस अपनी लाइफ से चलाओगे ना तब जाके वहां अटेंड कर पाओगे। अभी जब ये रेगुलर प्रोसेस की डेफिनेशन आती है कि हम जब हमारे सर्कल में भी जब मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई हाँ थोड़ा बहुत गीता पढ़ा करो, थोड़ा ये किया करो, तो बोलते हैं कि कार्तिक अभी थोड़ी उम्र हुई है, ये तो टाइम है, 50 के बाद करेंगे, 55 के बाद करेंगे, थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़े बंगले बना लेते हैं, थोड़े घर बना लेते हैं, बाद में करने बैठेंगे। पर ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन करेंगे। शायद आज मैं समझता हूँ कि मैंने जब 35 की एज में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया या ये हरिनाम स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत लेट हो चुका। मुझे शायद ये 20-22 की उम्र में स्टार्ट करना चाहिए था ताकि मैं कुछ तो सुधर सकता यहां तक आते आते, कम से कम ये जो पाप का बेड़ा लेके निकल आया यहां तक वो तो नहीं लाता। तो ये प्रोसेस, और अगर आप 55 और 60 के बाद या रिटायरमेंट के हिसाब से प्लान करते हो तो समझ लो 50 के 55 की उम्र तक जो मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व हुए हो, जितना भंडोर जमा किया है या जितना काम को फैला दिया है ना, वो छोड़ना पॉसिबल नहीं है भाई। एक बार जितना इस माया के अंदर फंसते जाओगे वो फंसते ही जाओगे, निकलना पॉसिबल नहीं है। एक लेवल हमें समझना है कि भाई हमें कितना छोड़ना है, इसमें आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि एक सिंपल लाइफ जीने के लिए कितना चाहिए, तो उतने पे फोकस करो, ना कि बस जमा करना है जमा करना है जमा करना है। जितना जमा करोगे उतना और पछताओगे। एक पेट के अंदर अगर खाने बोला तो 2 रोटी 3 रोटी खा सकते हो, पर अगर आप उसको 30 रोटी डालोगे ना तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही आने है। एक ग्लास दूध पी सकते हो, 2 पी सकते हो, अगर 5-8 पीने जाओगे तो सब बाहर निकलने वाला है। तो वैसा ही मटेरियल लाइफ भी है, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना डालोगे उतना सही है। उसके आगे कुछ भी भरने जाओगे वो रिवर्ट करेगा और आपको रिएक्शंस मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि रेगुलर सुनो और रेगुलर उसकी आदत डालो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट रिच करते हैं। जैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट के प्रोसेस से भी बताऊंगा, जैसे हम अगर हम शास्त्रों में देखे जाए या आगे मैंने जितना पढ़ा है उसमें कहा गया है कि परीक्षित महाराज थे, इवन पांडव थे। तो पांडव क्या थे, पांडव कृष्ण भक्ति पहले से कृष्ण भक्त थे, परीक्षित महाराज थे वो तो वहां के गर्भ से कृष्ण भक्ति के अंदर थे। तो ये हिसाब से जब उन्होंने भक्ति एकदम इनिशियल स्टेज से जब डेवलप की थी, तो जब उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ा, आज परीक्षित महाराज पूरे देश के राजा थे या पूरे वर्ल्ड के राजा थे उस तरह से, तो उन्हें जब पता चला कि भाई मेरे मरने का समय निश्चित हो चुका है या मैं शरीर छोड़ने का समय निश्चित होगा, तो उन्होंने तुरंत ही सब कुछ त्याग दिया। त्याग करके बैठ गए जाके कि भाई मुझे कथा सुनाओ और मुझे फ्री करो। और इवन पांडव को देखेंगे, जब पांडव को ये पता चला कि कृष्ण नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ही सब कुछ पूरे राज सिंगार छोड़ के पूरे धोती कुर्ता पहन के निकल चुके। तो ये कब पॉसिबल है, अगर मुझे आज कोई बोलेगा कार्तिक तू धोती कुर्ता पहन के मंदिर में बैठ जा तो मैं जा पाऊंगा, कोई नहीं जा पाएगा, इवन हम में से कोई नहीं जा पाएगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं जा पाएगा, पर इट टेक टाइम्स। जब इनिशियल से हम भक्ति करना स्टार्ट करेंगे तब एक लेवल पे हमें खुद को रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये सब माया और ये सब जो कलयुग का एटमोस्फियर है, जो एनवायरमेंट है, वो हमारे लिए नहीं है। और ये शरीर जो है वो कल भी मैंने बोला था कि भाड़े का मकान है, तो इसको छोड़ने का टाइम आया है और इसके आसक्ति में नहीं रहना है कि मुझे दूसरा भाड़े का मकान नहीं चाहिए भाई, मुझे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट चाहिए वैकुंठ। तो वैकुंठ पहुंचना है और ये सब से बाहर निकलना है। तो दिस इज दिस बॉडी दिस अपीयरेंस एंड दिस कलयुग इज नॉट मेंट फॉर मी, आई हैव टू लीव दिस। तो इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस है, जब तक करोगे एंड ऑफ द लाइफ रियलाइजेशन आएगा। और शायद अच्छे स्टूडेंट होंगे, जैसे यहां जितने बैठे हैं वो तो सब गुरु महाराज के इक्विवेलेंट है, मेरे सब प्रभु जी सीनियर्स, उनके लिए तो कंफर्म है। हमारे जैसे पासिंग स्टूडेंट जो है, जो डफर स्टेप बाय स्टेप शायद इस जन्म में या 2-5 और जन्म में यहां से निकल पाए, आपके आशीर्वाद होंगे तो श्योर ऐसा नंबर भी लग जाएगा। अभी जैसे कहा गृहस्थ को कहा गया है कि अपने यथाकालम, यथाकालम का पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे। यथाकालम क्या कहता है, इज इट पॉसिबल गृहस्थ को, अभी जैसे मंदिर में जाते हैं तो कोई कोई प्रभु जी होते हैं वो तो बोलते हैं आप माला करना शुरू कर दो,
तो भाई माला दो तरह से हो सकती है, या तो कोई बंदा एक माला से शुरू करेगा, दो माला से मेरे जैसा होगा, और कोई को बोलेगा अरे माला शुरू कर दो तो भाई आके बैठ गए 16 माला लेके धड़ 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 धड़, और एकादशी आ गई तो 25 और 50 भी कर डाले। क्या हो गया भाई, ग्रस्त हो, पूरी पूरे दूसरे फैमिली को पूरा डिस्टर्ब कर दिया आपने। आप अगर माता जी हो तो माता जी ने क्या कर दिया भाई, उसके हस्बैंड का पति प्रभु जी का खाना नहीं बनाया, बच्चों का स्कूलिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, भाई मैं तो हरिनाम ले रही हूँ, प्रभु जी ने बोला हरिनाम ले, भाई ऐसी गलती मत करो। मैंने स्टार्टिंग में भी एक दो बार आइडिया मारी थी कि सुबह 4 बजे उठ गया भक्ति करने बैठ गया, अरे भाई उसके बाद तो पूरा दिन मेरा डिस्टर्ब हो गया। तो यथाकालम एज पर द टाइम अवेलेबल, जैसे आपके पास टाइम है, जैसे आप अनुकूलता हो सकते हो, एंड स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम वन, कोई कोई कहीं नहीं लिखा गया है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 16 माला करने लगे और अभी वैकुंठ पहुंच जाओगे, ये तो कितना पाप का बेड़ा जमा करके आए हैं तभी तो नीचे आए हैं भाई। तो ये इसको निकालने के लिए भी हमें टाइम लगेगा। अगर उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो ना, तो अगर मैं अपनी लाइफ में, तो सीए की एग्जाम समझ लो, तो सीए की एग्जाम अगर बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट स्टूडेंट होगा ना, तो वो एक अटेम्प्ट में क्लियर करके 4-5 साल में निकल जाएगा। पर मैं जैसे डफर होते हैं, 2-5 अटेम्प्ट फाउंडेशन में दे दिए, 2-4 अटेम्प्ट इंटर में दे दिए, 2-4, तो अभी जैसे वो सीए जैसी डिग्री लेने के लिए जहां रेगुलरली मरते रहो 15-16 घंटा, उसके बाद भी वो 5 साल का कोर्स 15 साल ले जाता है। तो ये तो सोचो भाई वैकुंठ जाना है, ये डिग्री लेनी है, वो तो सुपर टॉप डिग्री है। तो ये डिग्री लेने के लिए तो गारंटी भाई आपको कितनी तपस्या कितना करना पड़ेगा। पर वो क्या होता है, जब स्टार्ट करते हो तो इनिशियली एक चैप्टर पढ़ा, उसको समझा, तो ऐसे एक हरिनाम किया, थोड़ी सी भगवद गीता पढ़ी, एक एक चैप्टर पढ़ा, एक एक श्लोक पढ़ने की आदत डाली। एक सिंपल सिंपल से आइडिया आगे भी हमने एक बार डिस्कस किया था, कैसे भगवद गीता पढ़नी है। तो भगवद गीता ही पढ़ने का सिंपल है, नहीं पढ़ सकते भाई, हमें 2-5 घंटे का टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। मेक अ हैबिट, डेली एक पेज पढ़ के जाओ, एक श्लोक पढ़ के जाओ, ऐसे आदत डालोगे धीमे 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 धीमे। हमें मोक्ष भी लेना है, या मोक्ष सॉरी मोक्ष तो मैं बहुत दूर की बात है, मैं अगर हमें रिटायरमेंट लेना है, हमें ये सब कामकाज से और हमें भक्ति की तरफ मुड़ना है, तो वो भी एज क्या है हमारी, वो 50 के बाद की एज है, जब बच्चे कभी सेटल होके, बच्चे भी सेटल हो गए और हम भी हमारे काम से मुक्त हो रहे हैं कि भाई हाँ अभी सब कुछ सेट है, तो अब हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग है ना, तो रिटायरमेंट प्लानिंग का यही पार्ट है, दैट रिटायरमेंट प्लानिंग में मेजर क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ। जब स्पिरिचुअल लाइफ मेजर में रखोगे ना, तो उसके हिसाब से आपकी रिटायरमेंट लाइफ भी पीछे के आराम से निकल जाएगी, और डे बनाएगा भाई तू संभाल सब कुछ, मैं अपनी भक्ति में लीन हूं, मैं अपनी भक्ति में मस्ती कर रहा हूं। तो ये इस तरह से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ के यथाकालम एज पर द टाइम अवेलेबल आप इसको आगे बढ़ सकते हो। फिर होता है, कहते हैं कि पढ़ना, पढ़ना क्या है, तो जैसे आगे भी हमने बोला कि भगवत गीता पढ़ रहे हो या भगवतम पढ़ रहे हो, जिसने बोल दिया एक बार पढ़ लिया और वो मैंने समझ ली, तो इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल का इन द सेंस ऐसा कहूंगा कि भगवत गीता है, भागवतम है, या कोई भी शास्त्र है, उसको आप जितनी बार पढ़ोगे ना, आप अलग इंटरप्रिटेशन करोगे, अलग समझोगे, और एक टेस्ट और आगे जाएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक बार पढ़ते हो तो कुछ समझ आता है, जब और ये जब पूरा कंप्लीट होता है, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा, जब तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो ये रेगुलर प्रोसेस है। और नेक्टर कहा गया है शास्त्र को, नेक्टर का अमृत कहा गया है, तो आप अमृत को जितना पीते हो ना उतना फायदा ही पहुंचता है अपने। ये मदिरा नहीं है जो नुकसान करेगी, मदिरा भी आप जितना पियोगे नुकसान करती जाएगी, पर अमृत है जितना पियोगे उतना फायदा पहुंचते जाएगा। तो ये अमृत है जिसको आदत डालनी है और पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है एज पर द टाइम अवेलेबल, इसको आगे बढ़ाते रहना है। और ये जब करते रहोगे ना, तभी ये मोह माया, जैसे इसमें कहा गया है कि आप अपने पति से, अपने पत्नी से अलग हो पाओगे, बच्चों से अलग हो पाओगे, अभी जिस तरह से मोह माया, तो माया की डेफिनेशन भी अगर समझने जाए, तो माया क्या है, पत्नी माया है, बच्चे माया है। मैं समझूंगा, मैं मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि पत्नी भी माया नहीं है, बच्चे भी माया नहीं है। माया वो हर वो चीज है जो मुझे कृष्णा से दूर ले जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि पत्नी अगर सामने खड़ी है तो वो माया बन गई मेरे लिए। अगर पत्नी मुझे कृष्ण भावना अमृत में मुझे हेल्प कर रही है, अगर वो मुझे अपना फ्री टाइम दे रही है कि भाई हाँ कार्तिक तू अपना चैंटिंग कर ले, तू भागवतम पढ़ ले, तुझे कोई रोक टोक नहीं है, तुझे मुझे प्रसाद दे रही है खाने के लिए, तो अगर इस तरह से मुझे वो हेल्प कर रही है, तो सी इज डूइंग अ कृष्ण कॉन्शियस वर्क। और उसके लिए तो यहां तक कहा गया, इवन अगर माता जी की तो ले तक कहा गया, अगर वो माता जी 16 माला नहीं भी कर सकती है, पर अगर वो अपने पति को पूरी कृष्ण भावना अमृत में हेल्प करती है, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट फ्री पास है भाई, एक पे एक फ्री वैकुंठ उसको डायरेक्ट मिलने वाला है। तो उसको ये भी टेंशन नहीं लगा मैं 16 माला छूट गई और मेरा पति बेचारा भूखे मर जाए और मैं 16 माला करूं। नहीं, वो अगर 16 माला की उसकी 10 माला भी हो गई, और अगर पति को अगर उसने अपने प्रभु जी को अच्छे से संभाल लिया और प्रभु जी को और बच्चों को, अपनी गृहस्थ लाइफ को उसने सपोर्ट, क्योंकि सी इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली,
अगर उसने उसको संभाल लिया ना, तो अपने आप उसके लिए फ्री पास है, उसको तो बहुत अच्छा है ना, उसको बैठ के माला करने के लिए हुए ना उसको भगवतम पठ खींचे हुए। और हाँ, इसका मैंने ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के टीवी देखने बैठ जाना, जब फ्री टाइम मिले तो सत्संग ही करना है हमें, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये कहते हैं कि जो असुर क्वालिटी है, तो डेमोनिक क्वालिटी, या तो हम कह सकते हैं कि कलयुग के प्राणी, उसमें हम लोग सब इन्वॉल्व है। कलयुग के प्राणी का क्या काम है, फ्री टाइम है, मोबाइल लेके बैठ गए, चैटिंग, सोशल मीडिया, ये सब, तो ये अवॉइड करके एक बैलेंस लाइफ की तरफ जीना चाहिए। बैलेंस लाइफ किस तरह से, वहां कहा गया है कि शास्त्रों में कहा गया बैलेंस लाइफ को 8 घंटे आपको अपनी जीवन शैली चलाने के लिए जो आय करनी है, जो इनकम अर्न करनी है, वो 8 घंटे अपने वहां डालो, और बाकी के 8 घंटे बैलेंस लाइफ होगी तो स्पिरिचुअल लाइफ में डाइवर्ट करो। तो स्पिरिचुअल लाइफ 8 घंटे, स्पिरिचुअल लाइफ का आदमी सोएगा क्या, अपनी पर्सनल लाइफ कैसे रहता है, इस तरह से नहीं है। 8 घंटे अपनी मटेरियल लाइफ के लिए इन्वॉल्व करो, फिर 2 से 3 घंटे जो है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में दो, और बाकी का टाइम है जो अपने पर्सनल एक्टिविटीज में दो। तो इस तरह से जब आप अपने जीवन शैली व्यापन करना शुरू करोगे ना, तो अपने आप ब्लिसफुलनेस आने लगेगी। और ऑलवेज, ये पॉसिबल है या नहीं है मुझे भी नहीं पता, इवन मैं भी मोह माया और पैसों के चक्कर में घूमता रहता हूं, पर वी हैव टू मेक अ सेंस कि भाई जितना चाहिए उतने के लिए भागते रहो, ज्यादा है ज्यादा पैसा ज्यादा ये सब और प्रॉब्लम्स लाने वाला है। और फ्यूचर में इवन अगर प्रैक्टिशनर के हिसाब से देखूं, आज मैं सेल प्रैक्टिस करता हूं, तो जो 500 क्लाइंट्स लेके बैठे, 1000 क्लाइंट लेके बैठे, उनको भगवान का दर्शन करने का टाइम नहीं, इवन मंदिर के बाजू में से पास हो जाएंगे पर वो वहां रुक के 2 मिनट दर्शन करने का टाइम नहीं। तो ऐसी स्टेज मत लेके आओ लाइफ के अंदर। ऑलवेज मेक अ हैबिट कि भाई हमें हमारे भक्ति और हमारे भक्ति में हमें टाइम मिले, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ताकि रियलाइजेशन आए कि भाई ये जो पकड़ा है रास्ता वो गलत है और हमें यहां से निकलना है। तो इस तरह से अगर आप मेट्रो सिटीज में जाते हो, तो मेट्रो सिटीज में क्या है, सुबह आदमी बेचारा, यहाँ तो ठीक है अभी गुजरात में, पर अगर मेट्रो सिटी में जाता हो, सुबह 4:12 और 13 मिनट की ट्रेन पकड़ने की बात करता है, मैं 4:13 में 8:18 की ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। भाई ऐसी लाइफ, वो जब अगर आप ट्रेन कहीं ट्रक में देखो रास्ते में, तो गधे बकरे कैसे भरे होते हैं, डबा डब, तो वैसे ही अगर मुंबई की ट्रेन से मेट्रो सिटीज के, और उसमें देखोगे मेट्रोज में ऐसे लोग भरते हैं, किसके लिए, पैसों के लिए। और वो पैसों का भी झोलझल क्या है पता है, वो उसने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बंदा कमा रहा होगा 20,000 रुपये और 1,00,000 रुपये का फोन लेके आएगा, और फिर EMI भरने के लिए उसको भागना पड़ेगा उधर। तो ये फंडा है, अगर वो 1 रूम या 2 बेडरूम हॉल किचन में अगर सुख से रह सकता है, नहीं, बाजू वाले ने 4 BHK लिया है ना, या उसने बंगला लिया है, तो मैं भी लूंगा। तो एक दिन के सुख के लिए या किसी को दिखाने के लिए वो अपने पैर पे जिंदगी भर का दुख लाता है कि भाई हाँ, इसको मैं बताऊंगा ना कि भाई मेरे पास आईफोन है, अभी इसका आईफोन बताने के चक्कर में भाई तू EMI भर रहा है वो भी उसको बता, तो क्या गलती कर रहा है, ये गलती कर रहा है। दिखावे के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम ये कलयुग के प्राणी करते हैं। और कलयुग में है क्या, देखा देखी, देख देख के जियो, उसने क्या किया तो मैं वो करूंगा, और ये चक्कर में पूरा अपना लाइफ की बैंड बजाने का काम करते हैं। और उसके सामने अगर मैं देखता हूं, तो जैसे मंदिर जाता हूं या इसको, वो बेचारे सीधे सादे सादे से कुर्ते पायजामे बैठे और हरी नाम ले रहे, और उसके मुंह के ऊपर जो ग्लो दिखता है ना, वो तो करोड़पति बेचारा कितना भी फेशियल कर ले उसके मुंह पे भी नहीं दिखता, वो पूरा टेम्पररी है, और वो जो है वो परमानेंट है, दिखता है बिना मेकअप बिना फेशियल के, चमक रहा है भाई। तो वो है मजा, जब हरी भक्ति में जाओगे तो अपने आप स्पिरिचुअल ज्ञान आ जाएगा, स्पिरिचुअल साइन आ जाएगी। पर नहीं, हमें तो मटेरियल साइन चाहिए, हमें तो अभी वो कौन से क्रीम्स आते हैं वो लगा के चमकना है भाई, हमें भगवान के नाम लेके चमकने वाले प्राणी नहीं बने हैं हम। तो इस तरह से, तो ये कहता है कि ये जो पूरा भौतिक संसार है, वो भौतिक संस्कार संसार को पूरा एक सपना कहा गया है। तो अगर हम देखते हैं तो मटेरियल लाइफ के अंदर है ना, हम जैसे हम सोते हैं तो हमें बहुत सारे सपने आते हैं और हम उठते हैं, अरे नहीं नहीं ये है, पर भौतिक संसार क्या है, भौतिक संस्कार का जो सपना है ना, वो हम जब मरते हैं ना तब हमें रियलाइज होता है, जब मरने की स्टेज पे आदमी पहुंच जाता है ना, तब उसको रियलाइज होता है यार मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी। तब वो 50 या 60 साल की उम्र में जब वो हाथ में किताब नहीं पकड़ सकता, जब मंदिर के लिए 2 कदम नहीं चल सकता, तब उसको रियलाइज होगा यार मैं मंदिर जाके कुछ भगवान का नाम लेके आऊं, या मैं हरि नाम करने के लिए उसको माला तक पकड़ी नहीं जाएगी, तब वो उठेगा एक्चुअली। तो भौतिक संस्कार संसार के अंदर आदमी जब मरने की स्थिति में आता है ना, तब वो जागता है कि भाई नहीं मुझे यहां से निकलना है, तब वो बहुत लेट हो चुका है, तब वो कर नहीं सकता ये काम। इसलिए कहते हैं कि फॉर रियल हैप्पीनेस, अगर आगे बढ़ना है और इसमें अगर पीसफुलनेस नहीं है, तो सोल को नरिश करना सीखो, आत्मा का नरिशमेंट इंपॉर्टेंट है, आत्मा ही चलने वाली है साथ के अंदर। जैसे कहा गया ना, ये भाड़े का मकान है,
तो जो है वो आत्मा है। तो आत्मा के नरिशमेंट के बारे में सोचोगे तो अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। और रहा बात के सुख सुख की सुविधा का, तो ये कहूंगा हमेशा, जैसे अगर हमने जन्म लिया है, अगर एक बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो उसके पहले उसके खान पान की व्यवस्था हो जाती है। तो हम भी अगर हम मटेरियल लाइफ जी रहे, तो हमारे कर्म में जो लिखा हुआ है वो तो हमें मिलना ही है। अब कर्म करो या ना करो, कोई बैठे बैठे यूपी और एसपीएससी पास कर लेता है, अभी मेरे जैसा डफर लड़का भी सीए बन गया, तो हाउ इज इट पॉसिबल भाई? मेरे कर्म में लिखा था सीए बनना, तो बन गया मैं सीए। बाकी वो जो कितने लोग होते हैं जो मैं देखता हूँ, बेचारे मेहनत कर रहे कर रहे कर रहे बेचारे, पर फिर भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक पास नहीं हो रहे। तो मुझे अपने आप पे क्वेश्चन आ जाता है, भाई मैं कैसे हो गया? पर अब जब मैं पढ़ रहा हूँ और अब जब समझ रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि भाई जो मेरे कर्म में लिखा है, जो मेरे पास मैंने जो आगे कर्म किए, उसके हिसाब से मुझे फल मिल रहा है। अभी ये प्रेजेंट लाइफ में कैसे जी रहा हूं, ताकि आगे की लाइफ अपने नरिश कर सकूं और आगे की लाइफ सुधार सकूं। तो उसके लिए यही है कि मुझे भक्ति में जाना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मेरी आत्मा का जितना नरिशमेंट होगा, जिस हिसाब से अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छी हेल्थ बनती है, उस तरह जितना आत्मा को आप नरिश करोगे, आपकी आगे के जन्म और आगे, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप आगे के जो जन्म लोगे वो अच्छे मिलेंगे, और अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गए और अच्छे से सक्सेस मिल गया तो पॉसिबल है सीधा वैकुंठ, तो आइदर ऑप्शन। इस तरह से आप सोल का जब नरिशमेंट के बारे में सोचोगे तो इस तरह से आगे बढ़ पाओगे। अभी हम श्लोक 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक 4 क्या कहता है, श्लोक 3 और 4 का फंडा क्या है? बेसिकली दे वांट के अब ग्रेजुअली इस प्रोसेस के अंदर जाओ और ग्रेजुअली अपने आप को कृष्णमय बनाओ, भक्तिमय बनाओ, और तब जो स्टेज आएगा जब आपको ये सब मटेरियल लाइफ छोड़नी होगी ना, तो आपको दुख नहीं होगा। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसको आगे हम समझेंगे, विरक्ति का प्रोसेस है, त्याग का फंडा है। तो ये कहना चाहता है कि आपको ग्रेजुअली बढ़ना है। तो 3 और 4 का जो बेसिक फंडा है वो है ग्रेजुअली आप सत्संग में इन्वॉल्व हो, ग्रेजुअली यथा आपके टाइम के हिसाब से इन्वॉल्व होते हैं, और एक स्टेज आएगी वहां आप प्योरली रिनाउंसिएशन लाइफ जी पाओगे। श्लोक 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, श्लोक 5 की तरफ। यावत अर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत तत्रह न रोके नरतम न्यासत। ये क्या कहता है, यावत अर्थम उपासीनो, मतलब एक एस पद है रिक्वायरमेंट, अर्न करना चाहिए। अर्थम उपासीनो, अर्थम मतलब पैसा होगा, एस पद है ना, देहे गेहे एक फैमिली लाइफ जीने के लिए जो पंडित होता है ना, उसमें कहा गया कि एक पंडित देहे गेहे च पंडितः, तो एक पंडित एक लर्नर्ड मैन जिसको हम कह सकते हैं, कि जिसको एक वाइज मैन एक बुद्धिशाली व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो अपने अभी बुद्धिशाली व्यक्ति अगर आज के डेट में हम समझ जाएंगे तो दिमाग वाला है तो पैसे छापने में दिमाग लगाएगा, पर एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से कहा कि जो दिमाग वाला है वो पैसे छापने में कभी दिमाग नहीं लगाएगा, वो अपने दिमाग लगाएगा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ाने में, कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सके। पर कलयुग का ये यूटर्न है, माया हमें इस तरह से घेरते जा रही है कि बुद्धिमानी व्यक्ति है तो 2 पैसा ज्यादा कैसे कमा सकता है वो दिमाग लगाए, और वो नहीं करेगा ना तो दुनिया उसको डंडे मार मार के कराएगी, भाई तेरे पास इतना दिमाग है तू ये कर, पर कोई उसको ये नहीं बोलेगा तो मंदिर में जाकर बैठ के भाई नाम ले। तो ये फंडा है। तो पंडित जो होता है, जिस तरह से इसे माना कि लर्नर्ड मैन होगा, वो हमेशा ये होगा कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अर्न करेगा, और बाकी का विरक्त तो रक्त तत् नौका नृतम न्यसत। विरक्त तो क्या, नॉट एट ऑल अटैच, वो कहीं भी अटैच नहीं है। नृतम नरलोक है, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर वन शुड, और जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, यहाँ हमें जो हम संसार में जी रहे हैं, हम सोसाइटी में जी रहे हैं, पर हमें सोसाइटी को ये नहीं बताना है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हूँ, सोसाइटी को बताना है। सब बोलेंगे कार्तिक तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, हाँ भाई ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, पर फाइनली अपना गोल क्या होना चाहिए, अपना गोल होना चाहिए स्पिरिचुअल अटैचमेंट, आत्मा नरिशमेंट, ये हमारा गोल होना चाहिए। भले दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी, भले सबको हाँ हाँ मिलानी है, वो कहते हैं ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर करना क्या है जो अपना दिल कहता है वो, इसका पर्पट समझते हैं। व्हाइल वर्किंग टू अर्न हिज लाइवलीहुड एज मच एज नेसेसरी टू मेंटेन द बॉडी, इतना ही कमाओ जितना हमारी बॉडी के लिए नरिशमेंट एंड सोल टुगेदर। वन हु इज एक्चुअली लर्नर्ड शुड लिव इन अ ह्यूमन सोसाइटी अनअटैच्ड टू द फैमिली अफेयर्स ऑल्दो एक्सटर्नली अपीयरिंग टू बी वेरी मच अटैच्ड। तो जिस तरह से मैंने अभी बताया कि भाई भले वो अटैचमेंट दिखाए लोगों को, अगर माता जी कुछ मांग रही है भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए भाई लेके दो, बच्चे कुछ मांग रहे हैं हाँ लेके दो हाँ करके दो, उनको भी खुश रखो, उनको किसी को कुछ छोड़ना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, भाई वो तुम अपनी अपनी लाइफ में जियो अपने, अगर मैंने जवाबदारी ली है, अगर मैं हाउस होल्ड लाइफ जीने की मुझे इच्छा हुई कि भाई मुझे गृहस्थ लाइफ जीनी है, भाई मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ये भी वही है, मैंने अपने पैर कुल्हाड़ी मारी है, अगर कुल्हाड़ी मारी है तो मुझे लेके चलना है, तो इससे बचना नहीं है, इससे भागना नहीं है। अगर मैं गृहस्थ लाइफ में आया हूं तो मैंने अपनी जवाबदारी खुद उठाई, मैं खुद लेके आया हूं, मैंने खुद बच्चे किए, तो ये मेरी जवाबदारी है कि उनका पालन पोषण भी करना मेरी जवाबदारी है। पर हाँ, ये सब करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि भाई मैं अपना गोल भूल जाऊं,
तो ये सबको साथ लेके चलना है। तो ये विरक्त होके लाइफ जियो, नॉट एट ऑल अटैच, नॉट अभी डिटैचमेंट, अभी विरक्ति और त्याग के बारे में हम भी समझते हैं। तो अगर इसको हम समझने जाए तो ये क्या कहते हैं कि पंडित जो होते हैं वो एस पर दो लिविंग एनी वन, मतलब अगर आप ब्राह्मण कुल में हो, आप अभी जैसे हमने कल भी बोला था कि ब्राह्मण कुल हुआ, क्षत्र हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ और शूद्र हुआ, आप कहीं भी जन्म लेते हो। और आज तो जैसे शायद मैंने कहीं पढ़ा भी था कि मोर और लेस आज जिसका भी जन्म होता है ना वो शूद्र में ही होता है। आज हम सब पैसों के पीछे भाग रहे हो, पैसों के लिए बेसिक जो भागता है वो शूद्र ही होता है। उसका जब एक्चुअली वो स्पिरिचुअल लाइफ में जब कन्वर्ट होता है, जब वो इनिशिएट होता है, तब एक्चुअली उसका जन्म होता है एज अ वैष्णव। बाकी तो वो हर एक बंदा जो आज जी रहा है वो सब शूद्र क्वालिटी के अंदर ही जी रहा है। तो ये जो है अपनी यथाकालम एस पर द रिक्वायरमेंट अर्न करो, एस पर द जो रिक्वायर उसके ही ओनर बनो। और ये जो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बना है ना उसको मिसयूज ना करो, क्योंकि एक जानवर और एक मनुष्य ईटिंग डेटिंग मेटिंग का फंडा उन्हें भी अप्लाई होता है, ईटिंग डेटिंग मेटिंग का फंडा हमें भी अप्लाई होता है, पर हमें बर्थ डेथ के साइकिल से निकलना है। हमें नहीं चाहिए डिजीज, हमें नहीं चाहिए ओल्ड एज, अगर ये निकलना है तो हमें हमारी लाइफ को कहां डाइवर्ट करना है, हमें हमारी लाइफ को भगवान की तरफ डाइवर्ट करना है, हमें शास्त्रों के अध्ययन करने हैं, शास्त्रों से समझना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब आप इसको उतारते जाओगे ना तब रियलाइजेशन होते जाएगा और आप यहां से बाहर निकल के इसमें से फ्री हो पाओगे। अ वाइज मैन सिंपल लाइफ का जो फंडा कहते हैं कि अर्न इट, एक बार अगर इस मटेरियल चक्कर में फंस गए और एक बार इसके अंदर भौतिक में फंस गए ना तो नेक्स्ट जन्म, क्योंकि देखो जितना अर्न करोगे, जितना कमाने के पीछे भागोगे ना उतने आप कर्म बंधन के अंदर बंधे जाओगे। अगर मैं किसी को एक कर्म भी कर रहा हूं या तो मैं एक कर्म बंधन के अंदर बंधे जा रहा हूं, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो वो एक्टिविटी के अंदर अगर मुझे वहां से छूटना है या बचना है तो मेरे पास ऑप्शन तो यही हुआ स्पिरिचुअल लाइफ। पर हम ना के स्पिरिचुअल लाइफ को ध्यान ना देके हम पूरे मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व है, तो जिस तरह से हम इन्वॉल्व हो रहे हैं मटेरियल लाइफ के अंदर और जिस तरह से ये क्लचेस के अंदर बैठते जा रहे हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट जन्म जो हमारे जो नेक्स्ट यूनि मिलने वाली है हमें वो ऑब्वियसली गिरा हुआ ही मिलने वाला है और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलना नहीं है। तो अगर ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं मिला तो अगर मैं कोई जानवर का जन्म मिल गया मुझे तो वहां बैठकर तो मैं हरी नाम ले नहीं सकता, वहां बैठकर शास्त्र अध्ययन कर नहीं सकता। कल भी मैंने बताया था कि जो एक फंडा या एक जो बेसिक क्वालिटी है, जो डिफरेंस है एक मनुष्य में और एक जानवर में, वो क्या है, सफरिंग। हम समझ सकते हैं हमें पीड़ा हो रही है, हम जानते हैं और हम पीड़ा का इलाज चाहते हैं। हम अगर हमें पीड़ा हो रही है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई कुत्ते का या उसको कुछ पैर टूट गया होगा या कुछ उसको खून निकल रहा होगा तो वो डॉक्टर के पास अपने आप नहीं जाएगा या उसके फैमिली भी नहीं लेके जाएगी उसको। भाई एज अ ह्यूमन हम जा सकते हैं, भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है मुझे डॉक्टर के पास जाना, इलाज करना है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो वैसे ये जो मटेरियल लाइफ है इसको कहा गया है ये माँ का गर्भ है। एक कलयुग का जो हम जीवन जी रहे हैं या कलयुग में हम बैठे हैं ना, इसको माँ का गर्भ कहा गया है। और माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा 9 महीना भी होता है ना तो वो पूरा पीड़ा से होता है कि भाई मैं कब यहाँ से निकलूं। तो वैसे ये जो जीवन है हमें जो मिला है वो भी एक पीड़ा हुआ, एक माँ का गर्भ ही है जिसके अंदर हम पीड़ा ही भुगत रहे, एक सुख के पीछे भाग रहे हो, हजारों दुख लेके आ रहे हैं साथ के अंदर। तो इसी का है यहां से भी निकलना है, पर ये समझ नहीं पा रहे हम। समझ ना पाने का रीजन भी क्या है कि हम मोर और लेस हर जगह से ऐसे अटैच हो चुके हैं कि हमें निकलना ही नहीं है। हमें कोई, कल भी मैंने बताया था, सत्संग करने के लिए किसको टाइम नहीं है, सिंगापुर जाने के लिए सबके पास टाइम है, हरी नाम लेने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, हैरी पॉटर देखने के लिए सबके पास टाइम है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है, बॉलीवुड हॉलीवुड के लिए सबको तैयार है। तो ये पॉइंट कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो यही है कि अगर यहां से एक बार इसमें फंस गए तो नेक्स्ट कब वापस मनुष्य जीवन मिलेगा और कब हमें ये रियलाइजेशन होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है यहां हम बैठे हैं, हमें समझ आ रही है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो टेक अ स्टेप, सुधारो अपने आप को और भक्ति में आगे बढ़ते जाओ। देखो अर्निंग, जैसा कि मेरा अर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस तरह से हम जिएंगे हमें हमारा कर्म के अनुसार हमें मिलेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी श्लोक 6 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ज्ञातः पितृ पुत्र भ्रातः सुहृद परे यद वदन्ति यद इच्छन्ति चानु उमोदित निर्मम। ज्ञानतः पितृ पुत्र मतलब ये क्या कहा गया कि ज्ञानतः रिलेटिव्स है, पितरों है, अपने फोर फादर्स है, अपने फादर्स है, पुत्र अपने बच्चे है, भ्राता ब्रदर है, फैमिली, मतलब इन शॉर्ट ये फैमिली, जितने फैमिलीज है, सुहृद फ्रेंड्स, ये सारे हमें बोलेंगे कि भाई तू ये मत कर, भाई तू ये मत कर, कोई ये विश करेगा, कोई ये सजेस्ट करेगा हमें, हमारी फैमिली के बाद अगर हम भी कर रहे हैं तो हमारी पेरेंट्स या हमें पत्नी हमें कहती है कि भाई आप ये घर ले लो, आप ये गाड़ी ले लो,
सब अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, ये तो ऑफिस ले ले, ये फलाना कर ले, ढिकड़ा कर ले, सब चालू ही रहता है हर जगह, क्योंकि कोई ऐसा तो बोल ही नहीं सकता। अगर प्रैक्टिकली पूछो तो शायद आज बाहर निकलेंगे हम घर से बाहर, तो हमें कोई ऐसा नहीं बोलेगा, अरे भगवान आप अपने कितनी माला की प्रभु जी आज कुछ भगवत, कोई नहीं बोलने वाला, क्या काम किया, कल का क्या हुआ बिजनेस का, कल वो टारगेट था अचीव हुआ कि नहीं हुआ, यही बात चलती है हर जगह पर। तो ये और ये हमें पिन पिन करती रहती है, और पिन पिन करने के चक्कर में क्या होता है, हमें भक्ति छोड़ के यहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, यार वो इतना कर रहा है मैं रह गया। और ये समझ कब आती है, ये समझ तभी आती है कि जब हम कहीं ना कहीं ये सत्संग ये शास्त्र से जुड़े होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि भाई ये सब माऊ माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें अटेंड करना है स्पिरिचुअल अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट में आगे बढ़ना है, ना कि मटेरियल अटैच लाइफ जीनी है। तो भले हमारे सगे संबंधी एनवायरमेंट सोसाइटी हमें कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, सबको सुना है, सबको हाजी हाजी करो, पर करो जो हमें एक्चुअली हमें अल्टीमेट ट्रूथ रियलाइज करना है कि हमें यहां से निकलना है। शुड बी डिटरमाइंड टू लिव द कंबर्सम लाइफ एंड यहां से बाहर निकल के सिंपल लाइफ जीनी है। देखो एक फंडा है ना, सिंपल लाइफ जियो, हाई थिंकिंग रखो, उसके अपोजिट क्या है, एक हाई लाइफ जियो और लो थिंकिंग रखो, चलो वैसा वर्षा ही है। तो डिसीजन अपना है कि भाई हमें सिंपल लाइफ जी के आगे बढ़ना है या बहुत हाई फाई लाइफ जी के एकदम लो थिंकिंग करके फिर से कहीं और जन्म लेके फिर से यही गटर वटर में जी के मर के ऐसे ही अपनी लाइफ को खत्म करना है, तो ऐसे नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर श्लोक नंबर 7 के ऊपर। श्लोक नंबर 7 क्या बताए, दिव्यम भौमम चांत्रिक सम वीतम अचुत्य निर्मितम तत्सर्वम उपयान जना एतत् कुर्यत् स्वतो बुद्धः। ये श्लोक क्या कहता है कि दिव्यम मतलब भगवान, दो पूरी ये सृष्टि है, पूरी सृष्टि के ओनर कौन है, ओनर है भगवान कृष्णा, कृष्णा इज द रियल प्रोप्रेटर ऑफ एवरीथिंग, दो वी क्लेमिंग हमारे बोला स्टैम्प पेपर पे परचेज डीड और सेल डीड पे या तो टैक्स इनवॉइस में हमारा नाम छप जाता है कि ये प्रॉपर्टी और ये कार और ये फलाना ढिकाना सब कार्तिक का है और मिस्टर एक्स का है, मिस्टर वाई का है। भाई हम तो प्रॉपर्टी यूजर है, हम वी आर द यूजर, वी आर नॉट द ओनर, पर ये समझे कौन, यहाँ तो सब मोह माया, ये मेरा 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 करके छाती ठोकने में से फुर्सत मिलेगी तो कोई कुछ करेगा ना, यहाँ तो कोई ले जाएगा तो उसके पीछे उसको काट डालेंगे, भाई मेरा है तो लेके कैसा गया, ये नहीं समझेगा कि भाई ये बॉडी भी खुद की नहीं है, भाई ये भी छोड़ के जानी है, पर वही है भाड़े का मकान का रिलेशन तो आता ही नहीं है, इसको सुधारने में लगे पड़े, पूरा दिन से रात तक सिर्फ ये होता है आत्मा नरिशमेंट कोई नहीं करा, बॉडी नरिशमेंट में ही पड़े हुए सब लोग, बॉडी नरिशमेंट का फंडा छोड़ के आत्मा नरिशमेंट के लिए होता है। तो यही है कि कृष्णा इज द प्रोपरेटर, उसको समझो, वी आर नॉट द यूजर, तो अगर हम प्रोपरेटर ही नहीं है, अगर वी आर नॉट द एक्चुअल ओनर, तो क्या हमें इसको खींचते रहना चाहिए, हमें जमा करते रहना चाहिए, जमा क्यों करना चाहिए। जब भगवान कहते हैं कि भाई अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं दे रहा हूं, आपके जीवन से कर्म के अनुसार हमें मिलना है, हमने जो कर्म किए, देखो कल भी हमने वन किया था कि दो बच्चे एक जगह जन्म लेते हैं, एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ही काल के अंदर, एक ही ग्रह के अंदर, पर एक होता है जो बेचारा कहीं करोड़पति के ग्रह पे जन्म लेता है, एक होता है जो कहीं गरीब की कुटिया में जन्म लेता है, तो वो कर्म के हिसाब से, वो गरीब की कुटिया वाला भी भूखे नहीं मरने वाला, उसको भी कोई जाते जाते 2-5-10 रुपए या कुछ खाने का देके जाने वाला है, और जो करोड़पति है उसको कोई है नहीं। तो इस तरह से दोनों को अपनी पेट की संतुष्टि के लिए खाना तो मिलना ही है, बस जो है उसको जमा नहीं करना है, हम जो जमा करने की जो आदत है ना, ये मेरा मेरा करके जो भरने की आदत है ना, उसको छोड़ना चाहिए। ये छोड़ के जितना हमें रिक्वायरमेंट, एक सिंपल लाइफ जीने के लिए, हमारी एक फैमिली लाइफ जीने के लिए जितना हमें रिक्वायरमेंट, उसके ही ओनर बनो, तो भगवान भी आपको देगा कि भाई तुझे 2 रोटी की रिक्वायरमेंट है, 2 रोटी खा, जब 10 रोटी खाने जाएगा तो ऑब्वियसली डायरिया लूज मोशन होने वाले ही है, तो वहां से क्यों करते हो भाई, जो रिक्वायरमेंट उतना कमाओ, अगर ज्यादा कमाओगे तो क्या होगा, अगर पैसों की दृष्टि से देखा जाए, इसमें ये कहा गया कि पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो पैसे कमाओगे, अभी ज्यादा पैसे कमाएंगे तो क्या होगा, वो पैसे का हम जाके बैंक में रखेंगे या कहीं डिपॉजिट्स करेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जहां से इन्वेस्ट करेंगे वहां से और पैसे कमाएंगे और पैसे कमाएंगे और जगह, ये क्या साइकिल चलती रहेगी। अभी ये साइकिल तो अच्छा है, पैसा दिख रहा है भाई, पर वो पैसों के चक्कर में या जो इन्वेस्टमेंट से जो प्लानिंग आ रहा है, जो पूरे कर्मविधि एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर क्या कर रहे हो, अब हर जगह कर्म के और माया के क्लचेस में बंधे, कर्म बंधन में बंधते जा रहे हो हर जगह पे, और ये बंधने के चक्कर में क्या होगा, नेक्स्ट फिर से आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो बर्थ एंड डेथ के साइकिल से आप निकल ही नहीं पाओगे। पर इसके अलावा अगर आप सिंपल लाइफ जीना शुरू करोगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मिल रहा है उसके अंदर शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली आप यहां से निकलने के आपके लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जब जमा नहीं करोगे ना, जैसे कहते हैं ना कि जब देखो बहुत सारा जमा करोगे, बहुत सारी इच्छाएं प्रकट करोगे, तो क्या होगा, जब मरने का टाइम आएगा तो क्या होगा, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा फलाने का ढिकड़ा का काम रहेगा, ये रह गया, तो भगवान भगवद गीता में कहा गया है
कि मरने के टाइम पे आदमी जो सोचता है उसका नेक्स्ट जन्म तो उसी में होना है। तो अगर मरने के टाइम पे अपने पास दो ऑप्शन है, अगर आदमी जो सिंपल लाइफ जी रहा होगा, जो हरि नाम कर रहा होगा, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस या एनीथिंग, मैं तो यहाँ कहूंगा इवन भगवान का, इवन वो शिव की माला करे, हरि की माला करे, देवी की माला करे, अगर वो कुछ माला कर रहा है तो कम से कम उसके पास भले वो वैकुंठ नहीं पहुंचेगा, स्वर्ग लोक तो पहुंचेगा, ये तो उसके पास ऑप्शन रहेंगे। पर अगर वो पैसों के चक्कर में, ये मोह माया के चक्कर में रहा तो उसकी डिजायर सारी अनफुलफिल होने वाली है। वो अगर 100 डिजायर लेके घूम रहा है तो उसकी 60-70% फुलफिल होगी और 30-40% रह जाएगी। अभी वो क्या होगा, अगर रह गई तो उसको फिर से नीचे आना पड़ेगा, फिर से नीचे आना पड़ेगा तो फिर से वो इस चक्कर में चलेगा। तो कहते हैं ना, एक इच्छा के चक्कर में कितनी सारी अनिच्छा है, कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और फिर फंस के इसमें आगे रहते रहते हो। ऐसा भगवत गीता में भी एक श्लोक कहा गया है, क्या कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मृतयः संभवन्ति यः तस्मै ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। भगवान कहते हैं कि आई एम द सीड गिविंग फादर, जो जो भी है इस सृष्टि के अंदर जो भी है, तो मैं आई एम द एक्चुअल ओनर, आई एम द रियल प्रोपराइटर ऑफ थिंग। तो वाई वी आर यूजलेसली, वाई वी आर नॉनसेंसली फॉलोइंग ऑल दिस, कि भाई मुझे 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 क्यों करते हो, समझो इस चीज को कि भाई वी आर नॉट द एक्चुअल ओनर। जब आज अगर हम कहीं भी कुछ भी क्वेश्चंस करें, भगवद गीता पे आज तक किसी ने क्वेश्चन उठाया, इट्स अ सुप्रीम ट्रूथ, तो वो एक्सेप्ट करो कि भाई नो वी आर नॉट द ओनर, और ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग कि भाई मैं ओनर नहीं हूं, तो भाई मुझे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। अगर मैं 2 BHK में खुश रह सकता हूं तो 2 BHK में रहूं, एक ऑफिस में खुश रह सकता हूं तो वहीं रहूं, एक नौकरी में अपनी जीवन व्यापन कर सकता हूं तो नहीं, हर 2 साल का प्रमोशन चाहिए, एक कंपनी छोड़ो दूसरी कंपनी पकड़ो, फिर से अपनी फैमिली को लेकर एक सिटी छोड़ो दूसरी सिटी पकड़ो, क्यों है क्यों भागो? और क्या होता है, पैसे कमाओगे तो और नए लोन लोगे, और लोन लोगे तो क्या होगा, और साइकिल में पड़ोगे, फिर उसकी EMI, फिर ये, तो ये चक्कर से कभी निकलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई सीड गिविंग फादर भगवान है, तो वो इज द ओनर, तो उसको फॉलो करो, जितना रिक्वायरमेंट उतना खाओ और बाकी हरि नाम में अपनी लाइफ शांति से जियो। आगे रूप गोस्वामी का भी एक श्लोक है, प्रपंचित कितय बुदय हरि संबंधी वसुतना मुमक्षु भी परित्याग्यो परिवैराग्यम फलगु कथयते। अभी क्या कहते हैं, वन हु रिजेक्ट्स विदाउट नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप टू कृष्णा इज इनकम्प्लीट इन हिज रेनाउंसिएशन। ये समझना भी जरूरी, एक होता है वैरागी जीवन, एक होता है त्यागी जीवन। वैरागी जीवन और त्यागी जीवन में क्या फर्क है, अगर त्याग को समझते हैं, त्याग क्या हुआ कि मुझे ये कुर्ता चाहिए पर मैंने इसको निकाल के फेंक दिया, तो ऑब्वियसली ये मैंने त्याग कर दिया, अच्छी बात है, ऐसा लगेगा भाई इसने तो त्याग दिया, पर त्याग दिया तो त्याग देने से क्या मैं खुश हुआ, खुश नहीं, मैं दुखी हुआ, भाई ठंड लग रही है, भाई प्रॉब्लम है, भाई वो मुझे चाहिए था, वो मेरा फेवरेट था, तो ये हुआ त्याग। त्याग करना मतलब अपने अपनी फैमिली को, जैसे गृहस्थ जीवन होता है, तो गृहस्थ जीवन में जैसे जो जुड़ते हैं मंदिर में या कहीं जो कृष्ण भागवत में आते हैं या चैंटिंग करना शुरू करते हैं जो भी होता है, तो वो सब फैमिली को त्याग देते हैं। जैसे आगे माता जी का भी मैंने उदाहरण दिया कि भाई वो हरि नाम में इतने बिजी हो गए कि अपने फैमिली को खाना भी नहीं दिया, टिफिन भी नहीं दिया, तो ये त्याग हुआ भाई। ये आप अपने सुख के लिए किसी को दुख देना, ये भी एक त्याग का हुआ कि आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और दूसरा हुआ कि भाई मुझे चाहिए था पर मुझे दुनिया ने, या तो ये गीता पढ़ के या शास्त्र पढ़ के मुझे ऐसा कि मैं त्याग दूं सब कुछ, नहीं भाई, गृहस्थ लाइफ जीके बैठे हो, एक सोसाइटी में बैठे हो, तो आपको त्यागना नहीं है पर आपको विरक्त होना है। अभी विरक्त क्या है, विरक्त का मीनिंग हुआ डिटैच होना है तो खुश हो, नहीं है तो भी खुश हो, जो है भगवान ने जो दिया आई एम हैप्पी विद इट, भगवान ने नहीं दिया तो उसकी इच्छा, ये हुई विरक्त की डेफिनेशन। तो ये दो समझना बहुत जरूरी है, हमें एक गृहस्थ लाइफ में, गृहस्थ लाइफ के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो गृहस्थ लाइफ के अंदर हमें विरक्त लाइफ होनी चाहिए, हमारी त्याग भरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। विरक्त फैमिली है, मुझे उसका पालन पोषण करना है, मुझे सब करना है, पर मुझे उसे अटैच नहीं होना है। द थिंग इज दैट अटैचमेंट नहीं आना चाहिए, ना ही उसको त्यागना है कि भाई आप लोग निकल जाओ, मैं जंगल में जाकर बैठ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। जॉब जो लेकर बैठे हो, वैगन वैकुंठ में नहीं डालेगा, आपको नर्क में डाल देगा कि भाई तू अपनी फैमिली छोड़ के आ गया, उनका पीछे कौन करने वाले, तो ऐसा मत करो। विरक्त लाइफ जियो, अपने फैमिली बनाई है, अपने अपने बच्चे हैं तो उनको भी संभालो, उनका भी करो, पर इस तरह से उनसे अटैच नहीं होना है। जब एक टाइम आएगा, जब एक आएगा, जैसे कहते हैं कि 50 के बाद 55 के बाद जब आप समझोगे इस चीज को, अपने आप आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी आपको, और आप एक घर में लेके एक गृहस्थ लाइफ के अंदर भी आदमी विरक्त लाइफ जी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है आज के कलयुग के अंदर के जंगल में जाकर बैठो, इवन मजे की बात है तो जंगल भी अवेलेबल नहीं है, तो जंगल में जाने की जरूरत है, घर में बैठो, मैक्सिमम टाइम मंदिर में निकालो, मैक्सिमम टाइम घर में बैठ के हरिनाम करो, अपने आप विरक्त लाइफ जी सकते हो, अपने आप अपनी लाइफ का पाथ डिसाइड कर सकते हो टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से विरक्त होकर जियो, ना के त्यागी होकर जियो।
भगवद गीता में आगे कहा गया है कि आनंद भवन्ति भूतानि परजन आनंद संभव यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्मो समुदह समुद्भव ऑल लिविंग बॉडीज सब्जिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स। भगवान कहते हैं जैसे आगे भी हमने डिस्कस किया कि भाई सारी फूड ग्रेन्स होती है वो कहां से आती है, बारिश से आती है, बारिश कहां से आती है, यज्ञ से आती है, यज्ञ कौन करता है, यज्ञ हम मनुष्य करते हैं, तो यज्ञ करना का अगर कल ही एक जगह मैं बैठा था और सुन रहा था कि यज्ञ को किस तरह से यज्ञ एक हुए कि भाई हम बैठ के ये करें दूध घी और सब मिष्ठान बनाए और फिर कुंभ क्या बोले यज्ञ कुंड बनाए और यज्ञ कुंड के अंदर सब आहुति दी, ये टाइप का यज्ञ हुआ। पर आज की डेट में तो ऐसा है कि यज्ञ कुंड के लिए अच्छा घी अच्छे फूड ग्रेन सब कुछ दिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे हर क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि ये सब जमा कर सके और ये ऐसा कर सके, और अगर करेंगे तो हमारी मन की संतुष्टि होगी पर एक्चुअली भगवान को तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो कलयुग के अंदर भगवान ने यह ऑप्शन दिया भाई आप भले यज्ञ कुंड में यज्ञ मत करो, संकीर्तन यज्ञ करो, हरि नाम करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दिल से करो हरि नाम करो, अपने आप को फल मिल जाएगा। फिर कल हम जैसे ये परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा करते करते कल एक बात निकली तो पता चला कि भाई शंकर जी अपनी लीला बता रहे थे। शंकर जी अपनी लीला में क्या बता रहे थे, शंकर जी पूरे वो लेप्रसी नाम की जो होते हैं कोढ़ की पूरी बीमारी लेके ऐसे बैठ के तप कर रहे हैं यमुना नदी पे, और बीच उसके पास में पार्वती माँ बैठी है, पार्वती माँ बैठ के मक्खियां उड़ा रही है ऐसे उनको, तो सब लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि देखो ये क्या है भाई, ये कैसा बाबा है जो अपनी पत्नी को ऐसे रास्ते में बिठा के ऐसे मक्खियां उड़वा रहा है, और सब लोग आते जाते सब ऐसा डिस्कशन चल रहा था। तो एक 25-30 साल का लड़का होगा मेरे जैसा, नहीं मेरे जैसा नहीं, मैं तो थोड़ा 35 का हो गया, 25-30 साल का लड़का हुआ छोटा, तो वो ऐसे पास हो रहा था, वो पास हो रहा था तो उसने उसके मन में कुछ हो गया कि भाई ऐसे कैसे है भाई आपके घर नहीं है, उन्होंने पूछा उस माताजी को पार्वती माँ को तो भाई आपका घर नहीं है आप यहाँ क्यों बैठे हो और ये आपके पतिदेव को क्या हो चुका है आप ऐसे क्या प्रॉब्लम है। तो पार्वती माता ने कहा कि भाई इनका इनको एक श्राप मिला हुआ है और इनका श्राप तभी मुक्त होगा जब इनको कोई करोड़ों यज्ञ जिसने किए होंगे ना करोड़ों वो यमुना से पानी के छींटे इस पे डालेगा तो इसको इसके सारा कोड वोड सब निकल जाएगा और ये एकदम सही अप टू डेट फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो लड़का बोला भाई मैंने तो करोड़ों यज्ञ किए। तो पार्वती माँ एकदम अचंभित हो गई कि भाई ये लड़का एकदम छोटा सा उम्र का है और इसका जो पैरवे से उसको देख के लग नहीं रहा है कि ये कोई भाई करोड़पति खानदान का है, तो भाई इसने करोड़ों यज्ञ कैसे किए है। तो वो एकदम अचंभित रह गई, पर वो देख रही थी कि चलो भाई लेट हिम ट्राई, हमें किसी को ना तो नहीं बोलना चाहिए। तो वो लड़का गया यमुना से पानी ले आया जल और शंकर भगवान पे छीट दिए, और शंकर भगवान तुरंत ही ऑन द सेकंड पूरे अप टू डेट हो गए, पूरे अप टू डेट हो गए। तो वो पार्वती माँ एकदम वो हो गई कि भाई आपने ये काम तो कर दिया प्रभु जी, पर ये कैसे पॉसिबल, आपकी एज देख के नहीं लग रहा कि आपने करोड़ों यज्ञ किए होंगे और ना आपको ऐसे पैरवेश लग रहा है कि आप कुछ है ऐसे करोड़पति है जो आपको इस पॉसिबल है। तब वो लड़के ने कहा कि माता जी मैंने करोड़ों क्या, आप अगर यज्ञ की दृष्टि से देखोगे तो मैंने करोड़ों यज्ञ नहीं किए, पर हाँ मैं जब भी परिक्रमा करता हूँ ना तो नंगे पाँव करता हूँ, और नंगे पाँव मतलब एक पाँव मैं जब रखता हूँ तो वो एक यज्ञ की बराबर होता है। तो ऐसे मैं सालों से परिक्रमा कर रहा हूँ, जब से बचपन से मुझे रियलाइज हुआ है तो ऐसे सालों से परिक्रमा कर रहा हूँ, और अगर परिक्रम कर रहा हूँ और मेरा एक कदम अगर वो एक यज्ञ की बराबर है तो आप इतने यज्ञ किए, इतने मैंने परिक्रमा किए तो मेरे करोड़ यज्ञ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से और आपने इसका रिजल्ट भी देख लिया, तो परिक्रमा करनी है तो नंगे पाव करनी है, और एक नंगे पाव अगर आप बिना चप्पल के करोगे तो उसका फल आपको एक यज्ञ की तरफ मिलता है। ये कल कथा सुन रहा था मैं बैठ के, तो इसका ये तात्पर्य है। तो यज्ञ करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें यज्ञ कुंड बिठाना है और हमें घी की और आहुति देनी है, हम हरिनाम करके भी संकीर्तन करते भी यज्ञ को यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं, और परिक्रमा जब हमें मौका मिल जाए वृंदावन गोवर्धन जाने का तो हम परिक्रमा करके भी यज्ञ का फल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटेलिजेंट मैन जो होता है वो इस तरह से अपनी लाइफ को डाइवर्ट करता है और नेचर के अरेंजमेंट जो हुआ है वो उसके हिसाब से चलता है। फिर कहता है एडवांसमेंट वो हमें विचार किया जो हम ऑफरिंग सॉल्यूशन गैस संकीर्तक है। तो इस तरह से गृहस्थ, एक गृहस्थ जो होता है वो गृहस्थ का क्या कारण है, गृहस्थ का काम है कि वो भले ही यज्ञ ना करे और भले ही ये ना करे पर उसको एक संकीर्तन प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए, रेगुलरली अरेंज करने चाहिए, रेगुलरली ग्रुप चेंटिंग करने चाहिए, रेगुलरली भागवतम अरेंज करनी चाहिए, कथाएं अरेंज करनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा भी कहां वास करते, कृष्णा प्यार के भूखे मैंने आ गए, वो कथा है वहां कृष्णा है,
कृष्णा कभी क्रिस मूवी चल रही होगी तो वहां नहीं मिलेगा कृष्णा, कभी डांसिंग और डिस्को बार में नहीं मिलने वाला कृष्णा, कहां मिलेगा कृष्णा, कथा में मिलेगा। जहां चार डिवोटीज बैठ के कृष्णा का नाम ले रहे वहां कृष्णा 100% मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली एक गृहस्थ को, एक फैमिली हब को हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि वो अपने घर पे संकीर्तन प्रोग्राम अरेंज करे, ग्रुप चैंटिंग करे और इस तरह से कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़े और धीरे धीरे आसपास की सोसाइटी को, आसपास के हमारे जो मेंबर्स है जो हम रहते हैं उनको भी इसमें मूवमेंट में इन्वॉल्व करे और अपनी लाइफ और अपने पड़ोस अड़ोस पड़ोस और सोसाइटी को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ उनको सही ज्ञान का नॉलेज दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का 7th श्लोक मैं कंप्लीट कर रहा हूं यहां। हरे कृष्णा।